स्टूडेंट के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि कोई भी सब्जेक्ट को याद कैसे करे और जो याद है उसको लंबे समय तक याद कैसे रखे। तो इस तरह का समस्या लगभग स्टूडेंट के साथ आता है। तो इस समस्या में जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करे तो कॉपी पर लिख लिख कर पढ़ाई करे, यानी एक क्वेश्चन याद हो गया तो उसे बंद कर दे और दूसरी कॉपी निकाले और उस पर लिखे, फिर दोनों कॉपी को सामने रखकर देखे कि जो लिखा है वो पहले वाली कॉपी से मैच करता है कि नहीं करता है। अगर मैच करता है तब भी एक बार और लिखें और सप्ताह में एक बार दो बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है, जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं सुनते हैं वो हमें याद रहता है। और कोई भी घटना चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, अगर बहुत दिन तक हम उस पर सोचना छोड़ देते हैं, बहुत दिन तक उसे देखना छोड़ देते हैं तो हमारे दिमाग से निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि रूममेट जो 2 साल 3 साल एक रूम में रहे हैं और 20 साल बाद मिलते हैं तो पहचानते भी नहीं है, ऐसे भी कंडीशन होता है। तो हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है, इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ हमें याद रहती है, हमारे मेमोरी में जगह बना लेती है, और जो चीज़ को हम बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देते हैं, दूसरी तरफ ध्यान लगा देते हैं, तो पहला वाला चीज़ खत्म हो जाता है। जैसे आप देखते हैं ना कि एक बोर्ड होता है तो ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है, एक बार मिटा देंगे तो फिर दूसरा चीज़ हम लिख सकते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन है। तो जो है वो है और उसको रिविजन करेंगे वही हमारे दिमाग में रहेगा, और रिविजन करना छोड़ देंगे तो हमारा दिमाग से जो भी बात है निकल जाएगा। इसलिए पढ़ाई को रिविजन करना पड़ता है, तभी वो लंबे समय तक याद रहेगा।